जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में क्लॉक के पार्ट सेकंड को स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग घड़ी के लेसन के पार्ट सेकंड को स्टडी करेंगे। पार्ट फर्स्ट इसके पहले ही पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लोग हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें घड़ी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बताया गया है। इस वीडियो में भी हम आप लोगों को घड़ी के शेष बचे हुए क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का मेथड बताएंगे। हमारे और भी वीडियोज बन चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे वीडियोज में बहुत ही आसान तरीके से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। ये घड़ी का लेसन मैथ और रीजनिंग दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मैथ और रीजनिंग दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक क्लॉक। यह है क्वेश्चन दोस्तों, चार एवं पांच बजे के बीच कब घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा या दोनों सुइयों के बीच समकोण होगा। दोनों सुइयों के बीच समकोण बनेगा या दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को ही समकोण कहा जाता है। तो समकोण जो बनता है एक घंटे में घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच दो बार समकोण बनता है। जैसे अगर चार और पांच बजे के बीच कहा जाए तो एक बार बनेगा 4:05 के आसपास और एक बार बनेगा 4:40 के आसपास। देखिए यहाँ क्या होता है, 30-30 मिनट का अंतर होता है। हर एक घड़ी के दो नंबर के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। यहाँ 30 अंश का कोण बन गया एक और दो के बीच में, दो और तीन के बीच में 30 अंश का कोण बना, तीन और चार के बीच में 30 अंश का कोण बना। इस तरह से अगर देखा जाए तो 4:05 पर 30-30, 60-30, 90 अंश का कोण बन गया। ऐसे ही अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ देखते हैं 30 यहां बनेगा, 30 यहां बनेगा, 30 यहां बनेगा। तो यहां भी हो गया 4:40 के आसपास भी 90 अंश का कोण बनेगा। एक बार 4:05 के आसपास, एक बार 4:40 के आसपास। लेकिन ये अनुमान के आधार पर लगभग इतना बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना बनेगा ये हमको नहीं पता है। 4:05 के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है कि कितना। तो उस एग्जैक्ट को पता लगाने के लिए हम लोग अपने फार्मूले के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर कितना आता है। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। फार्मूला है 60/11, 60/11 मल्टीपल। अब देखिए ये जो पहला वाला नंबर है, पहला वाला जो नंबर है इसी में हम एक बार 3 ऐड करेंगे और एक बार 9 ऐड करेंगे। क्या क्या करना है दोस्तों, एक बार 3 ऐड करना है और एक बार 9 ऐड करना है। तो एक बार हम 3 ऐड करते हैं, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7, यही आएगा इतना मिनट, इतना मिनट। चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं, 6 7 42 by 11 इतना क्या आएगा, मिनट आएगा, इतना मिनट आएगा। 11 3 33, फिर इसके बाद 90, 11 8 88, 2/11, इतना आ गया हमारा मिनट। मतलब ये आंसर आ गया 38 सही 2/11 मिनट। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, आंसर इसका ये लिखा जाएगा 4:38 सही 2/11 पर, 4:38 सही 2:11 2:38 सही 2/11 पर एक बार समकोण बनेगा। तो एक बार जब 3 इसमें ऐड किए तो इस तरह से आंसर हमारा कितना आ गया, 4:38 सही 2/11 पर ये एक बार समकोण बनेगा। ये वाला 4:38 सही, यही बता रहे थे आपको लोगों को ना कि 4:40 के आसपास, एक बार लगभग
4:05 के आसपास। तो देखिए ये 40 मिनट के आसपास क्या आ गया, 4:38 सही 2/11 पर। ये एग्जैक्ट आंसर आया, ये एग्जैक्ट आंसर आया। अब चलिए हम एक बार 9 को ऐड करके, इसमें क्या किया गया है, इस 3 को 4 में ऐड कर दिए, 7 हो गया। तो 60/11 × 7 इसी को सॉल्व कर लिए, जो आंसर आएगा उसी को हम 4 में बढ़ा के लिखेंगे, मतलब 4 जो आंसर आएगा उतना मिनट। अब चलिए 9 को जोड़ के देख लेते हैं, तो 9 को जोड़ के देख लेते हैं। 9 को अगर हम जोड़ेंगे 4 में तो कितना होगा, 9 × 4 = 13। तो 13 का मतलब क्या हुआ, 13 का मतलब क्या हुआ, 1 बजे। 13 का मतलब क्या होता है, 1 बजे। इसका मतलब क्या रहेगा, 1। तो 60/11 × 1, 13 का मतलब क्या हुआ, 1 बजे। और यही क्या आ गया, मिनट, इतना मिनट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 = 5/11 मिनट, 5 = 5/11 मिनट। आंसर कैसे लिखा जाएगा, 4:05 = 5 = 5/11 मिनट, 5 = 5/11। तो दूसरा आंसर क्या आ गया, 4:05 = 5 = 5/11 मिनट। और पहला आंसर क्या आया था, 4:38 = 2/11 मिनट आया था। पहला वाला जो आया था, जो पहला आया था वो ये। तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनते हैं, इसके 2 आंसर आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। यह है दोस्तों क्वेश्चन, 4:15 पर घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। अब देखिए इसमें क्या बताना है, कोण बताना है, घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच का कोण। क्या कहा जा रहा है, 4:15 पर, यह है 4:15 पर इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला यह है दोस्तों, 60 × घंटा, 60 × घंटा −11 × मिनट, 11 × मिनट और / 2, यही है हमारा फार्मूला। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले पर। तो यहां हो गया 60, अब देखिए घंटा कितना है, 4 घंटा मतलब 4 बजे। तो 4 बजे का मतलब क्या हुआ, 4 घंटा, तो 4 हो गया, माइनस यहां लिखेंगे 11 लिखे। अब देखिए मिनट कितना है, मिनट दिया है 15, तो यहां 15 से मल्टीपल कर दिए और / 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 240, 6 × 24 = 0, माइनस 11 × 55, 11 × 1 = 11, 11 × 5 = 16 / 2। अब इससे इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारा आ गया 75 by 2। इस तरह से ये आ गया 37.5। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 37.5। कौन सा फार्मूला है दोस्तों, 60 × घंटा −11 × मिनट / 2। इसी को सॉल्व कर लिए, 60 की जगह 60 ही है, घंटा देखिए क्या दिया है, 4 दिया है, तो घंटे की जगह 4 रख दिए, माइनस 11 तो वैसे ही रहेगा, फिर मिनट देखिए कितना है, 15, तो मिनट की जगह 15 रख दिए / 2, 6 × 24 = 0, 240 हुआ, 11 का 15 में गुणा किए 165 हुआ, इसमें से इसको माइनस कर लिए तो 75 हो गया, 75/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 37.5 आ गया। तो 37.5 डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण 37.5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7:25 पर घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। इसी फार्मूले पर इसको भी सॉल्व करना, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ 60 की जगह हम रखेंगे 60 मल्टीपल, देखिए यहाँ घंटा कितना दिया है 7:00, जो बजकर है वही घंटा होता है, जो बजे होता है वही घंटा, तो यहाँ हो गया 7 घंटे की जगह हम 7 रख दिए, माइनस 11 ऐसे ही रहेगा। अब मिनट देखिए कितना है 25 मिनट, तो मिनट की जगह हम 25 रख देते हैं बाई 2, 6×7=42 माइनस 11×25=55, 11×2=22, 22×5=27 बाई 2, इससे इसको माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5। यहाँ 11 में से आ गया 7, तो हो गया 4, ये हो गया 1, इतना बाई 2, 145 बाई 2, और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2×7 और 2×2=5, तो 72.5। दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना आ गया 72.5 डिग्री, 72.5 डिग्री दोनों सुइयों के बीच का कोण हो गया। तो हमको करना क्या है, 60×घंटा, जितना घंटा रहे उसको घंटे की जगह रखेंगे, माइनस 11×मिनट, यहाँ देखिए घंटा दिया है 7, तो हम घंटे की जगह 7 रख दिए, 60 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 11 को ऐसे ही उतार लिए, मिनट की जगह 25 है तो 25 रख दिए। अब 6×7=420 हो गया, 60×7 का गुणा किए तो 420 हो गया, 11×25 किए तो 275 है, दोनों को माइनस कर लिए 145/2, डिवाइड कर देंगे 72.5 डिग्री दोनों सुइयों के बीच का कोण बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।